हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपी टीचर अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 30 क्वेश्चन का एक सेशन लगाएंगे जो कि शिक्षण परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज का हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। क्क्वेश्चन थोड़ा बड़ा एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है संप्रेषक और व्याख्याता की, सेकंड है सुगमकर्ता की, थर्ड है निर्देशक की, फोर्थ है तालमेल बिठाने वाले की। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बच्चों के ज्ञान की रचना करने के लिए क्या निर्माण करना चाहिए, उसकी क्षमता का निर्माण करना चाहिए, एक शिक्षक की जो भूमिका किस प्रकार की होनी चाहिए, ये क्वेश्चन बोला जा रहा है। तो जैसे कि अभी बात करते हैं कि बच्चों के ज्ञान रचना एवं अर्थ निर्माण की क्षमता विकसित करने हेतु एक शिक्षक को सुगम भूमिका के रूप में होनी चाहिए। इसके अकॉर्डिंग आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा, हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा, टिक कर देंगे यहां पे। थोड़ा फोर्थ तो भी होगा, कोई बात नहीं, आंसर हमारा सेकंड है यहां पे। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है उच्च आत्म क्षमता, सेकंड है निम्न औषधीय मानसिक प्रक्रियाएं, थर्ड है अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान करना, फोर्थ है उच्चतर श्रेणी की मानसिक क्रियाएं। तो जैसे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सी प्रतिभाशाली विशेषता है बच्चों की, सॉरी नहीं है, यह नेगेटिव पूछा गया है, नहीं है। सीटेट में क्वेश्चन इस प्रकार से बहुत आते हैं, इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन देखना होगा। अगर नहीं है पूछा है तो हमें नेगेटिव में आंसर देना है। तो यहाँ पे तीन पॉजिटिव है और यहाँ पे एक नेगेटिव को हमें छांटना होगा। जैसे कि बात करते हैं कि कालसनिक का विचार था, एक मनोवैज्ञानिक थे, उनका ये विचार था कि वह बच्चों को या जो बच्चे अपने आयु स्तर के बच्चों में किसी योग्यता में अधिक हों या उससे समाज के लिए अपने कार्य से योगदान दें या योगदान दे सकें, वह बालक प्रतिभाशाली बालक कहलाता है। निम्न औषध मानसिक प्रक्रियाएं प्रतिभाशाली बालक की विशेषता नहीं होती। तो इसका अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन आते हैं, आपको वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन देखते हैं। कोहलवर के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्न में से किस तरफ प्रवर्तित होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, सेकंड है व्यक्तिगत मूल्य, थर्ड है पारिवारिक अपेक्षाएं, फोर्थ है अंतर्निहित संभावित दंड। जैसे कि अभी क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कोहलवर की सिद्धांत के अनुसार पूर्व परंपरागत के कोई नैतिक निर्णय लेने की या व्यक्तिगत निर्णय से कौन सा प्रवर्तन होगा, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा रहा है। तो जैसे कि अभी बात करते हैं कोहलवर के सिद्धांत के अनुसार पूर्व परागत स्तर में बालकों में नैतिक तर्कणा का आधार दूसरों के मानकों से निर्धारित होता है, वह बड़ों के प्रति सम्मान दिखाता है ताकि उसे दंड ना मिले, और इस स्तर पर नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति अंतर्निहित संभावित दंड की तरफ प्रवृत्त रहता है। तो आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हमारा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं हाथ हाथ में। शिक्षार्थियों या अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, सेकंड है कालन विधि का अधिकतर प्रयोग करना, थर्ड है याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना, फोर्थ है विधिवत प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। जैसे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि शिक्षार्थियों में या शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं की संदर्भ में शिक्षिका को क्या करना चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को या के संदर्भ में या उनका ध्यान रखते हुए एक शिक्षिका को वह विधि या विधिवत प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना चाहिए जो शिक्षकों या शिक्षार्थियों के लिए बेहतर हो, अच्छी हो, अच्छे इन्वायरमेंट का हमें क्रेडिट करना चाहिए या माहौल बनाना चाहिए क्लास के अंतर्गत, अच्छी शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा हमारा फोर्थ, विभिन्न प्रकार की अधिगम परिस्थितियों का उपलब्ध करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है?
देखो क्वेश्चन ये भी नहीं है पूछा गया है, सीटेट में से बहुत होता है, तो क्वेश्चन जिस अकॉर्डिंग हो उसी अकॉर्डिंग में आंसर देना है। फर्स्ट ऑप्शन है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, सेकेंड है सभी विकास परिपक्वन और अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, थर्ड है सभी विकास और अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, फोर्थ है सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बाल विकास का सिद्धांत नहीं है, तो जैसे बाल विकास या विकास और अधिगम की गति सदैव एक समान नहीं होती है, इनकी जो गति में तीव्रता मंदता का और उतार चढ़ाव लक्षण देखे जा सकते हैं। तो आंसर इसके अकॉर्डिंग करेक्ट होगा हमारा थर्ड, कि सभी विकास और अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं होता है, ये हमारे उतार चढ़ाव होते हैं, इसमें मंद गति से होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं साथ साथ में। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है, फर्स्ट ऑप्शन है आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, सेकेंड है आकलन एक शैक्षणिक सत्र में दो बार करना चाहिए शुरू में और अंत में, थर्ड है आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए, फोर्थ है आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। तो जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा आकलन का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है, तो यहाँ पे आकलन के बारे में पूछा जा रहा है, आकलन का प्रयोजन सीखने सिखाने की प्रक्रिया पर या सामग्री का सुधार करना होता है जो कि दैनिक गतिविधियों और अभ्यास के उपयोग से अधिगम का बहुत ही अच्छा आकलन हो सकता है, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है जो आकलन का सबसे उपयुक्त तरीका है। तो आंसर करेक्ट होगा हमारे इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है, फर्स्ट ऑप्शन है अभिसारी चिंतन, सेकंड है संवेगिक चिंतन, थर्ड है अहवादी चिंतन, फोर्थ है अपसारी चिंतन। तो यहाँ पे सृजनात्मक बच्चों के बारे में पूछा गया है या किससे संबंधित है या सृजनात्मक से संबंधित पूछा गया है, तो जैसे कि हम बात करते हैं ये हमारा आंसर ज्यादा करेक्ट हो जाएगा, अपसारी चिंतन से संबंधित होगा, इसमें मुक्त अंत वाले क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ में, आंसर हमारा फोर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से बायगोस की सहमत होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाते हैं, सेकंड है बच्चों के चिंतन को तब साझा या समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाए, सेकंड है बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए, फोर्थ है बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। तो देखो यहाँ पे बात की जा रही है कौन सा कथन बायगोस्की से सहमत है, तो अब जब भी हम बायगोस्की जी के बारे में बात करते हैं तो हमेशा बायगोस्की जी है समाज के बारे में बात करते हैं और उनका मानना होता है कि बच्चे जो अर्जित करते हैं, जो बच्चे सीखते हैं अनुकरण करते हैं, वो स्वयं वयस्कों से और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे फर्स्ट ऑप्शन है चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और जो वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है, सेकंड है खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है, थर्ड है निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को जो कि त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं, फोर्थ है जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने विचारों अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमता का उपयोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चे किस प्रकार के होते हैं, तो जैसे कि आप बात करते हैं कि बच्चे वृद्धि और विकास की मंजिल में जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उम्र में वैसे ही उनके विभिन्न सामाजिक मानसिक शारीरिक संवेगात्मक परिवर्तन आते जाते हैं और बच्चे जिज्ञासु स्वभाव के होते हैं क्योंकि वे अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानना चाहते हैं जिसमें वो रहते हैं और तर्क व क्षमताओं का उपयोग करते हैं। आंसर इज करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है, सेकंड है बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षण सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड ना देता हो, थर्ड है बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे
चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान न दे। फोर्थ है, असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा बोला जा रहा है कि बच्चों की त्रुटियां जो होती हैं वो कौन सा कथन सत्य है। तो जब बच्चे जब त्रुटियां करते हैं तो उनके सीखने सिखाने प्रक्रिया का ये अंग होता है। तो आंसर द करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थियों अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए वह फर्स्ट ऑप्शन है वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। सेकंड है उन विद्यार्थियों का पता लगाए जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं या हों और संपन्न घरों से हों और उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। थर्ड है अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विद्वत मतों को प्रोत्साहित करें। फोर्थ है कड़े नियम बनाए और जो बच्चे उनका पालन ना करें उन्हें दंड दें। जैसे क्वेश्चन बोला रहा है कि अध्यापक को सुनिश्चित करना चाहिए कि कक्षा के सभी शिक्षार्थियों को आपको स्वीकृति सम्मानित करनी है, अपने कक्षा के सभी बच्चों को स्वीकृति सम्मान करनी है, तो उसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, इस प्रकार से क्वेश्चन बोला जा रहा है। तो जैसे हम बात करते हैं कि अध्यापक को यह सुनिश्चित करने के लिए करना चाहिए कि कक्षा के सभी विद्यार्थियों अपने आप को स्वीकृत महसूस करें या सम्मानित समझें, वह आवश्यक है कि वह अपने विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विद्वत मतों को प्रोत्साहित करें। तो आंसर इज करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा थर्ड हो जाएगा, मिस्टेक्स हो गया, आंसर थर्ड हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो मिलती रहेगी। क्वेश्चन देखते हैं, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है, यह उनकी में विभिन्नता के कारण है। फर्स्ट ऑप्शन है अभिचमता, सेकेंड है अधिगम शैली, थर्ड है प्राकरवर्तकता स्तर, फोर्थ है मूल्य। तो जैसे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि सुरेश है जो कि सामान्य रूप से एक शांत कमरे में पढ़ने के लिए पढ़ना चाहता है और मदन है कि ग्रुप स्टडी करना चाहता है या अपने मित्रों के साथ में पढ़ना चाहता है, तो वह किस प्रकार का भिन्नता का कारण है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे कि हम बात करते हैं अधिगम शैली में भिन्नता के कारण बालकों की पढ़ने की प्रवृत्ति में अंतर आ जाता है, इसलिए सुरेश सामान्य रूप से शांत कमरे में पढ़ना चाहता है और मदन है जो कि समूहों में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। तो आंसर इज द करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा सेकंड, मिस्टेक से हो गया, यहाँ पे होगा सेकंड आंसर हो जाएगा हमारा अधिगम शैली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा एडजस्ट करेंगे यहाँ पे, हाँ दिखाई दे रहा होगा सब लोगों को। भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है, इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा फर्स्ट और सेकेंड के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। सेकंड है शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। थर्ड है जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। फोर्थ है शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का उपयोग करने पर दंड किया जाए। जैसे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है, इस संदर्भ में फर्स्ट और सेकंड कक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वदा उपयुक्त कथन है। तो अच्छा उपयुक्त कथन पूछा गया है। तो जैसे कि अभी बात करते हैं कि भारत एक बहुभाषिक देश है जो सब लोगों को पता है, जानते सब लोग, अतः कक्षा फर्स्ट और सेकंड के शिक्षकों को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो आंसर इज द करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा सेकंड हो जाएगा। देखो तो यहाँ पे प्रोत्साहित करना, अगर इस प्रकार के वर्ड आपको सेंटेंस में दिख जाए कि प्रोत्साहन करना है और बढ़ावा देने से बात आ रही है, तो ये हमारे कीवर्ड होते हैं जो कि ज़्यादातर मोस्टली हमारा आंसर इन्हीं ऑप्शंस में होता है। तो आपको 99% हमारे ऑप्शंस करेक्ट हो जाते हैं। तो प्रोत्साहन वर्ड दिख जाए तो आपको हमारा आंसर यही मिल जाएगा आप लोगों को। तो आंसर इधर करेक्ट हमारा सेकंड, इस प्रकार के कीवर्ड का ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रगति से क्या अभिप्राय है? फर्स्ट ऑप्शन है जैविक की विशिष्टताएं और वंशानुक्रम सूचनाएं, सेकंड है एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, थर्ड है भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां, फोर्थ है हमारे आसपास का वातावरण। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि प्राकृतिक पोषण विवाद है प्रकृति से क्या अभिप्राय है। तो जैसे कि अभी बात करते हैं कि प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रकृति से अभिप्राय जैविक विशिष्टताओं व वंशानुक्रम सूचनाओं से संबंधित होता है। तो आंसर क्या करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? तो फर्स्ट ऑप्शन है समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है, सेकंड है जनसंचार माध्यम की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियां मूल्यों और विश्वासों को प्रस्तावित करता है, थर्ड है बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकती हैं, फोर्थ है संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञान और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। तो क्वेश्चन में जनसंचार माध्यम के बारे में पूछा जा रहा है और समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण बनता जा रहा है, तो उसमें से उपयुक्त कथन पूछा गया है। जैसे कि हमें बात करते हैं जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है और इसकी पहुंच दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप यह एक समाजीकरण का अभिन्न अंग या एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। तो आंसर करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? तो क्वेश्चन नेगेटिव में दिया है तो हमें आंसर भी नेगेटिव में देना है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, सेकंड है बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं, थर्ड है बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, फोर्थ है बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। तो देखो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, ये क्वेश्चन बोला रहा है और इसमें कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है, सॉरी नहीं कथन पूछा गया, कौन सा कथन इस प्रश्न के अकॉर्डिंग नहीं है, तो नहीं कथन छांटना हमें। यहाँ पे पॉजिटिव हमारे तीन दिए गए और नेगेटिव को छांटना है। तो देखो हम बात करते हैं फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे बच्चे के जो सीखते हैं वो संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव है सीखते हैं, तो आंसर इसमें नहीं है हमारा। अनेकों प्रकार से, सॉरी यहाँ पे हो गया, अनेकों प्रकार से सीखते हैं बच्चे, अनेकों विधियों से सीखते हैं, ये भी हमारा पॉजिटिव में, बच्चे इस प्रकार से सीखते हैं। और बात करते हैं इसके अकॉर्डिंग कि बच्चे जो है कि स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, आंतरिक प्रेरित होंगे बच्चे तो इससे सीखेंगे, तो ये भी हमारा पॉजिटिव में, इसमें भी हमारा आंसर नहीं छुपा है, हमें आंसर देना है नेगेटिव में जो कि आपका बच्चा फोर्थ वाला। तो आंसर यहीं पर हमारा कि बच्चे कहाँ सीखते हैं कि वो केवल कक्षा में सीखते हैं, ऐसा नहीं है, बच्चे रास्ते में अपने आसपास में जाने वालों में रहते हैं, वो कुछ ना कुछ वहां से सीखते रहते हैं, इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर करेक्ट हो गया फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन पुरस्कार और दंड का उपयोग करना, सेकंड है बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना, थर्ड है पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर दंड निर्धारित करना, फोर्थ है प्रत्येक विद्यार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहन करना। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के लिए अभिप्रेरित करने के लिए कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। जैसे कि अभी बात करते हैं कि प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थी शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए या अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षकों को यह ध्यान रखना होगा कि बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार या इंटरेस्ट के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने होंगे, इस प्रकार से वो अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो आंसर क्या करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? फर्स्ट ऑप्शन है कंप्यूटर, सेकंड है अनुवांशिकता, फोर्थ है राजनीतिक दल, सॉरी थर्ड है ये, फोर्थ है परिवार। तो यहाँ समाजीकरण के बारे में पूछा गया है मुख्य कारक कौन सा या प्रमुख कारक कौन सा है, तो आंसर करेक्ट होगा हमारे यहाँ पे फोर्थ, परिवार, क्यों बच्चे जिसमें परिवार में रहता है वहां से समाजीकरण प्रक्रिया सीखना स्टार्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आंसर फोर्थ हो जाएगा हमारा। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है, सेकंड है
सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। थोड़े बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। फोर्थ है, इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। तो क्वेश्चन बोला गया कि बच्चे समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि क्यों है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति दर्शाता है। तो आंसर करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते रहे साथ ही में, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको वीडियो मिलती रहेगी। क्वेश्चन देखते हैं, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन है लेखन अविक्षमता या डिसग्राफिया, सेकेंड है गणितीय अविक्षमता डिसकैल्कुलिया, थर्ड है गति सम्मेलन अक्षमता डिसप्रैक्सिया, फोर्थ है पठन अक्षमता डिसलैक्सिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक औसत बच्चा है जो कि भाषा पढ़ने और समझने में कठिनाई महसूस कर रहा है या प्रदर्शित कर रहा है, तो यह किसकी ओर संकेत, किस लक्षण की ओर संकेत कर रहा है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है। जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं, डिसलैक्सिया एक व्यापक शब्द है जिसका संबंध पठन विकार से है और इससे ग्रस्त एक औसत बुद्धि वाला बच्चा भाषा को समझने और पढ़ने में कठिनाई महसूस प्रदर्शित करता है। तो आंसर इधर करेक्ट होगा इसका अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट, सॉरी फोर्थ हो जाएगा, मिस्टेक हो गया, आंसर इधर करेक्ट होगा हमारा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शैशवा काल की अवधि है, फर्स्ट ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष तक, सेकंड है जन्म से 3 वर्ष तक, थर्ड है 2 वर्ष से 3 वर्ष तक, फोर्थ है जन्म से 1 वर्ष तक। यहां शैशवा काल की अवधि के बारे में पूछा है। तो जैसे कि हम बात करते हैं, शैशवा काल जो होता है जन्म से 2 वर्ष के लिए होता है कहा जाता है या होता है, इस अवधि में बालक की शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तेजी से होते हैं। तो आंसर इधर करेक्ट होगा इसका अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही में, प्याजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है, फर्स्ट ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक, सेकेंड है मूर्त संक्रियात्मक, थर्ड है संवेदी गतक, फोर्थ है पूर्व संक्रांत अवस्था। तो जैसे क्वेश्चन पूछा रहा है कि प्याजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष का बच्चा जो होता है वो किस संज्ञान विकास की अवस्था में है। तो जैसे कि अभी बात करते हैं कि जिन प्याजे के अनुसार संज्ञान विकास की अवस्था या व्याख्या करने के आधार पर 4 अवस्था बताई गई, जिसमें वे मानते हैं कि 2 से 4 बच्चे का जो बच्चा होता है वो पूर्व संक्रांत अवस्था में होता है। तो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग हमारा फोर्थ, पूर्व संकेत अवस्था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम को वीडियो मिलती रहेगी। क्वेश्चन देखते हैं, विकास से की ओर बढ़ता है, फर्स्ट ऑप्शन है जटिल कठिन, सेकंड है विशिष्ट सामान्य, थर्ड है साधारण आसान, फोर्थ है सामान्य और विशिष्ट। तो यह विकास के बारे में पूछा, विकास किस ओर बढ़ता है, इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है और मानसिक और गतिक क्रियाओं में या अनुक्रियाओं में सामान्य विशिष्टता पहले और विशिष्ट क्रिया बाद में विकसित होती हैं। तो आंसर इधर करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग सामान्य से विशिष्ट की ओर, फोर्थ आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है, फर्स्ट ऑप्शन है सहयोग देना, सेकंड है सहभागी अधिगम, फोर्थ है सहयोगात्मक अधिगम, सॉरी थर्ड है ये सहयोगात्मक अधिगम, फोर्थ है समीपस्थ विकास। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जब वयस्क सहयोग के सामंजस्य कर लेने से बच्चे वर्तमान स्तर को प्रदर्शन को संभावित क्षमता की स्तर को प्रदर्शित करने का जो प्रगति का क्रम सुगम बनाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि जब वयस्क सहयोग में सामंजस्य कर लेते हैं तो बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के अनुसार प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं तो इसे सहयोग देना कहते हैं। तो आंसर इधर करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट, सहयोग देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
नवीन जानकारी सॉरी नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा या अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है आत्मसातकरण, सेकंड है समायोजन, फोर्थ है सॉरी थर्ड है अहम केंद्रता, फोर्थ है अनुकूलन। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा या अवधारणा को बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है, जिसके बात करते हैं यहाँ पे किसी भी व्यक्ति की अवधारणा परिवर्तन में नवीन जानकारी प्रभावी भूमिका निभाती है। जब नवीन जानकारी को प्रभावित करने के लिए वर्तमान अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया चलती है तो वह आत्मसातकरण कहलाता है। इसके अकॉर्डिंग आंसर द करेक्ट होगा हमारा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ में। मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक है। फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिकृत है केंद्रित, सेकंड है जीववादी सामाजिकृत, थर्ड है परिपक्व अपरिपक्व, फोर्थ है केंद्रित सामाजिकृत। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय क्या अधिक है, इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि भाषात्मक विकास में बालक के अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा का जानना और उसके प्रयोग से संबंधित योग्यता का विकास शामिल होता है। यह एक चरणबद्ध प्रक्रिया है और मध्य बाल्यावस्था में बालक की भाषा सामाजिकृत के बजाय अहकेंद्रित अधिक होती है। आंसर करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा, मिस्टेक हो फोर्थ नहीं फर्स्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जैसे क्वेश्चन बोलते हैं हम कि मध्य बाल्यावस्था में सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित या अह केंद्रित अधिक है, तो आंसर द करेक्ट होगा हमारा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों का एक कोने में बिठाना, सेकंड है प्रतिबंधित प्रवेश में अधिगम, सेकंड थर्ड है वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते हैं, फोर्थ है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। यहाँ पे बाल केंद्र शिक्षा के बारे में पूछा गया क्या शामिल है। जैसे कि हम बात करते हैं बाल केंद्र शिक्षा बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियों को शामिल करती है। इस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उनके लिए ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है जिससे उनकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर किया जा सके। तो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग हमारा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को प्रेस कर रहे हैं जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में बुद्धि स्तरीय थी। फर्स्ट ऑप्शन है शारीरिक गतिबोधक, सेकंड है संगीत में, थर्ड है भाषाई, फोर्थ है स्थानिक। तो जैसे कि कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में कीबोर्ड को स्वयं बजाते हुए तैयार करते हुए देखा है और मधुर संगीत बजाते हुए देख रहा है, तो कक्षा अध्यापक अपने विचार से राघव की किस बुद्धि स्तर की विस्तरी की बात कर रहा है या सोच रहा है, इस प्रकार से क्वेश्चन है। जैसे कि हम बात करते हैं कि उच्च स्तरीय संगीत में या उच्च संगीत में स्तरीय बुद्धि में संगीतिक सामर्थ्य और निपुणता विकसित करने की क्षमता समृद्ध होती है, राघव इसी प्रकार की बुद्धि को प्रदर्शित कर रहा है। तो आंसर द करेक्ट वॉइस को अकॉर्डिंग हमारा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही में। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है। फर्स्ट ऑप्शन है लिंग जेंडर पक्षपाती, सेकंड है शिक्षा प्रदात, थर्ड है सही दृष्टिकोण वाला, फोर्थ है नीति परक। जैसे कि अभी क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के क्या गणित में अच्छे होते हैं और लड़कियां से, तो यह क्या दर्शा रहा है, यह लड़के अच्छे होते हैं लड़कियों से, तो यह क्या एक जेंडर पक्षपात की तरफ जा रहा है। इस प्रकार से हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ अध्यापक को समझना चाहिए कि अगर शिक्षण विधियाँ अच्छी हैं क्लास के अंतर्गत तो लड़कियाँ भी सीख सकते हैं और लड़के भी सीख सकते हैं और गणित से जेंडर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो आंसर इज द करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते रहें साथ ही साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को प्रेस कर रहे हैं जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से आप क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समावेशी शिक्षा
मानती है कि हमें के अनुरूप बदलना है। फर्स्ट ऑप्शन है व्यवस्था बच्चे, सेकंड है प्रवेश परिवार, थर्ड है बच्चे प्रवेश, फोर्थ है बच्चे व्यवस्था। तो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि समावेशी शिक्षा मानती है कि उस किसके अनुरूप बदलना है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा रहा है, जैसे ये बात करते हैं समावेशी शिक्षा सभी नागरिकों की समानता के अधिकार को पहचानने और सभी बालकों को विशिष्ट आवश्यकताओं के साथ साथ शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना कराती है। यह मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। तो आंसर इसका करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट। दोस्तों सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।